बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है। ये रहता था हमारा लॉरेंस सीरीज फाइंड करनी है एट ए इक्वल टू एन पे। तो तरीका क्या था, हम कहते थे लेट ए इज इक्वल टू, ये आपके पास ए मतलब मीन जी, ठीक है जी, मीन जी इज इक्वल टू एन और इसमें हम टी ऐड करेंगे, जेड इज इक्वल टू एन प्लस टी नेबरहुड में, ठीक है। तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट z माइनस एन इक्वल टू टी, ठीक है जी। अब मेरे बेटा देखें इसमें ये फंक्शन है f ऑफ z, इसमें हम लिखेंगे cot पाई और z की जगह लिखेंगे हम इसमें n प्लस टी, ठीक है। ये बन जाएगा cot n पाई प्लस n टी, ठीक है जी, पाई टी एन पाई प्लस पाई टी, सही है। ये मेरा बेटा आपके पास आ गया फंक्शन कॉट। अब हमारे पास बराबर होता है कॉस एन पाई प्लस पाई टी और साइन एन पाई प्लस एन प्लस पाई टी, सही है जी। कॉस का फार्मूला हो गया ई एन पाई आयोटा प्लस पाई टी आयोटा प्लस ई पावर एन पाई आयोटा, इधर यहाँ माइनस, ठीक है जी, एन टू प्लस पाई टी, सही है जी। और इसके साथ भी आयोटा आएगा ऐसे आयोटा, ठीक है। नीचे इसके नीचे टू आएगा, वो टू मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि टू और टू क्या होता है, काट जाता है, सही है। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा जी, साइन, इसका फार्मूला ई पावर इसी तरह एन पाई आयोटा प्लस पाई टी आयोटा, इसी तरह से माइनस ई पावर माइनस एन पाई आयोटा प्लस पाई टी आयोटा, ये जी, ठीक है। नीचे आएगा टू आयोटा, सही है, इसके नीचे क्या आएगा, टू आयोटा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये आ गया टू आयोटा और इसके नीचे क्या आ गया, टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये आयोटा ऊपर चला जाएगा और ये इसकी फॉर्म इस तरह आ जाएगी आयोटा इंटू, ये मेरा बेटा जो हमारे पास है ये इक्वल होगा किसके, ई पावर एन पाई आयोटा डॉट ई पावर पाई टी आयोटा, ठीक है। इस तरह यहाँ प्लस, ये बराबर होगा ई पावर माइनस एन पाई आयोटा डॉट ई पावर पाई टी आयोटा और साथ माइनस, ठीक है। नीचे हमारे पास हैगा ई पावर एन पाई आयोटा डॉट ई पावर पाई टी आयोटा माइनस ई पावर माइनस एन पाई आयोटा डॉट ई पावर माइनस पाई टी आयोटा, सही है जी। अब मेरा बेटा इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा आंसर, ये वन हो जाएगा, ठीक है जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन के। इसी तरह ये आपके पास जो है ये भी इक्वल किसके हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें इसमें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर हम इसको करेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते ज़रा मुश्किल होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया आयोटा इनटू, क्योंकि एन के बारे में यहाँ पता नहीं है, तो यहाँ पे मेरा बेटा देखे ना, इसका हम अगर एलसीएम कर लें, ठीक है, इसको भी नीचे ले जाएँ, ई पावर एन पाई आयोटा डॉट ई पावर पाई टी आयोटा प्लस वन ओवर ई पावर, ये प्लस में हो गया एन पाई आयोटा, ठीक है, एन टू ई पावर पाई टी आयोटा। इस तरह नीचे वाला भी लिख सकते हैं, ये नीचे वाला लिखेंगे, ये बन जाएगा ई पावर एन पाई आयोटा डॉट ई पावर पाई टी आयोटा माइनस वन ओवर ई पावर एन पाई आयोटा डॉट ई पावर पाई टी आयोटा, ठीक है।
अब मेरा बेटा देखे इसका एलसीएम, ये एलसीएम आएगा दोनों में, ये भी ऊपर वाले में भी, ये नीचे हुआ ये वाला एलसीएम, इसमें भी ये वाला एलसीएम, और ये फिर कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर डबल डबल हो जाएगा, ये इसके साथ डबल हो जाएगा, इसके साथ डबल हो जाएगा, ठीक है पावर में। तो ये आपके पास आंसर इसका बन जाएगा आयोटा इंटू ई पावर टू पाई, ठीक है, टू पाई एन आयोटा और ई पावर टू पाई टी आयोटा प्लस वन, ये इधर वन और ये एलसीएम वाला कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा बता रहा हूँ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसका एलसीएम करें तो ये बन जाएगा ई पावर टू एन पाई आयोटा डॉट टू पाई टी आयोटा माइनस वन, नीचे एलसीएम वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखें ये वन होगा और ये भी वन होगा क्योंकि टू एन इवन होता है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास जो बनी रकम इसमें, ये जो है इसको देख लें, ये ई पावर टू एन या टू पाई एन आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस टू एन पाई प्लस आयोटा साइन टू एन पाई, ये क्योंकि इवन नंबर है, काज जो है टू एन इवन होता है, तो काज जब पाई के साथ इवन नंबर हो तो काज वन आंसर देता है, जैसे काज टू पाई पे वन, काज फोर पाई पे वन, काज सिक्स पाई पे वन, और साइन हमेशा पाई पे जीरो होता है, पाई चाहे इवन के साथ हो चाहे आठ के साथ, टू पाई हो या थ्री पाई हो, फोर पाई हो या फाइव पे, सब पे जीरो होता है, तो ये आंसर आएगा वन, ठीक है जी। ये बाकी बात हुई, इनकी हम सीरीज यहाँ पर लिखेंगे, सही है, इसकी सीरीज लिखेंगे एक्सपोनेंट की, ई पावर टू पाई आयोटा की सीरीज इसकी क्या होती है, आपको पता है आयोटा इंटू, ठीक है, इसकी सीरीज होती है हमारे पास आपके पास पहले इसी तरह से, ये आ गया वन, फिर आया टू पाई टी आयोटा, फिर आएगा टू का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, मतलब मीन्स टू, ठीक है, फिर इसी तरह से प्लस दोबारा लिखेंगे टू का क्यूब, पाई का क्यूब, टी का क्यूब, आयोटा का क्यूब और थ्री फैक्टोरियल मीन सिक्स, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ सिक्स, ठीक है, यहाँ पे टू को इस तरह टू और प्लस होगा, ठीक है जी, और आखिर में प्लस वन, प्लस वन और प्लस वन, नेक्स्ट नीचे नीचे इसी तरह से इसकी सीरीज वन प्लस टू पाई टी आयोटा प्लस टू का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल टू, फिर इसी तरह से प्लस टू का क्यूब, पाई का क्यूब, टी का क्यूब, आयोटा का क्यूब ओवर सिक्स, फिर प्लस वन और माइनस वन, वन से वन हो गया कैंसिल। अब ये वन प्लस वन हो गया टू हमारे पास, सही है जी। मेरा बेटा देखे इसको मैं ना डिवाइड करता हूँ ताकि हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट इसका आ जाए, ठीक है जी। तो देखें जी डिवीजन इसकी, ये आ गया टू प्लस टू, ये ऊपर है आयोटा साथ जरब होगा सब के साथ, आयोटा जो है सब के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, एक स्टेप और मेरे ख्याल में करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो देख लें स्टेप, ये बन जाएगा आपके पास आयोटा टू आयोटा, क्योंकि वन प्लस वन टू हो गया, टू आयोटा प्लस टू पाई टी आयोटा स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर आयोटा क्यूब ओवर टू प्लस होगा, नीचे क्या बना टू पाई टी आयोटा प्लस टू स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ओवर टू प्लस होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं इनको डिवाइड, सही है जी। तो देखें जी ये टर्म ऊपर लिखनी है, ये टर्म वी एन के अंदर हो, ये बैठ, ये आ गया टू आयोटा, टू आयोटा प्लस टू पाई टी आयोटा स्क्वायर, फिर टू स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, टू स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर आयोटा क्यूब ओवर सिक्स ओवर टू प्लस सो वन डिवाइडेड बाय
2 pi t iota plus 2 square pi square t square iota square over 2 plus 1। लो जी वन पे किस पे करेंगे, 2 आयोटा बनाना है तो यहाँ पे 2 आयोटा बनाने के लिए हमें पाई टी से करना पड़ेगा। ठीक है जी, 1 over pi t से इसको मल्टीप्लाई किया, सही है, 1 over pi t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जी, ये पाई टी कैंसल 2 आयोटा प्लस, इसी तरह जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में करूँगा तो आंसर क्या आएगा, पाई टी से मल्टीप्लाई, इसको पाई टी से कैंसल तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, आगे एक पाई कैंसल एक टी कैंसल तो पाई और टी बच गया और आयोटा स्क्वायर इसी तरह आ गया, ठीक है, और नीचे 2 भी इसी तरह आ गया, फिर आगे 100, ये साइन चेंज करेंगे ये हो जाएगा कैंसल। अब बाकी ये बच गया आपके पास यहाँ पे 4 और नीचे 2, ये एक 2 से एक 2 हमारे पास हो गया कैंसल, सही है। तो बाकी आ गया हमारे पास इसका यहाँ पे 2 है, ये -2 है, बाकी सारी वैल्यू जिसकी क्या आ रही हैं, सेम नहीं आ रही, 2 pi t iota square, ठीक है जी, ये वैल्यू इसकी आ रही है सेम, इसलिए इसमें से ये जो है क्या हो गया कैंसल, ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें इसमें नेक्स्ट ये बच गया 2 square pi square t square iota cube over 2। अब अगर आप देखें ना इसमें हम मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 pi t iota बनाना है, 2 pi t ये आपके पास है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 square बनाना है 2 से, अच्छा पाई स्क्वेयर बनाना है पाई से, टी स्क्वेयर बनाना है टी से, आयोटा क्यूब बनाना है तो आयोटा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है जी। तो नीचे कितना बनाना है 2, ये 2 से, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा, आगे ये 100 2 square pi square t square iota square over 2 100, ये साइन चेंज होंगे ये कैंसल नीचे ये बच जाएगी। अब हम देखें प्रिंसिपल पार्ट वो होता है जिसके टी डिनोमिनेटर में हो, लेकिन अगर टी डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल पार्ट इज 1 over pi t जिसमें टी डिनोमिनेटर में हो, ठीक है ना। तो पहले पार्ट की इसके क्वेश्चन में, पहले पार्ट की वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंसिपल पार्ट वो होता है जिसमें जी नीचे हो, तो इसमें जब टी नीचे है तो वो होगा। अब टी के से इक्वल आप पुट कर देंगे, टी आपके पास इक्वल है जेड माइनस एन, मतलब ए माइनस एन, ठीक है जी, इसको आपने कहा होगा, तो इसमें आप पुट कर देंगे जेड माइनस एन, ये बन जाएगा जेड माइनस एन, तो सोल्यूशन आ गया मेरा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें, और कोई मसला मसाइल हो, क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो पूछ भी लिया करें। अल्लाह हाफिज़।